छात्र शिवशांत शास्त्री जी ये मधुबन कैसेट के माध्यम से भोला की बम ये कंपटीशन में लेकर के आ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। मनीष भैया जी, जी मुझे कुछ पूछना है आपसे। क्या पूछना है? सुनो, बोलो। शास्त्री जी, हाँ भैया ध्यान दो, बोलो। अरे क्षत्रिय ब्राह्मण तुई भय हम तुम्हें रहे समाज आयो। जो हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण बनाए गए हैं उनके बारे में ये दोहा है। मनीष भैया जी, जी और भी जवाब देना आपको। अरे जननी के जन्म नहीं भैया पड़ी नर की दृष्टि हो। अच्छा, हाँ। अरे जननी के जन्म नहीं भैया पड़ी नर की दृष्टि हो। आहो तीन लोक में है नहीं भैया जानते हैं सब सृष्टि के भोला तेरी बॉम्बे श्री गंगे। शास्त्री जी, हाँ भैया, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ी मुझे हंसी आ रही है। क्यों? ध्यान दो, बोलो। बचपन की तरफ जाओ। अरे हिमेश भैया, आपने कहीं अहुआ देखा है? अरे अहुआ अहुआ सब कहे परी अहुआ कहू न देखा तो आहो रोवत से लाला चुप हम तुम्हें भेद बतला तक बोला तेरी बॉम्बे श्री गंगे। मनीष भैया जी, ये तो आपने बताया लेकिन और भी बताना है आपको, और भी जवाब देना है। पूछते रहो आप। अरे जननी के जन्म नहीं और पिता धरी नहीं धीर हो। ओहो तो रहे हो जी। अरे जननी के जन्म नहीं और पिता धरी नहीं धीर हो। आहो जे कैसे पैदा भए भैया पा।
भाई यानी नौ भाई। हाँ। सुनो बोलो। अरे सागर तो मंथन भयो भैया चौदह रतन निकालियो बेटा मनोज। शास्त्री जी। हाँ जी। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तो दूंगा ही। यस। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, संकेत करूंगा केवल। क्या? साफ साफ नहीं बताऊंगा। अच्छा। अरे लंबी जाकी बेली है ओ भैया चोरे चकरे पातो। अच्छा समझे कुछ? बोलो। सुनो बोलो। शास्त्री। हाँ जी। समझे कि नहीं? हाँ मैं समझ गया, लौकी है लौकी। मनीष भैया जी। अरे मरद मरद दुई लड़ी रहे और ढींगा ठाड़ी एक नारियो। भैया। अरे मरद मरद दुई लड़ी रहे और ढींगा ठाड़ी एक नारियो। शास्त्री जी। हाँ जी। तुम्हारे पहले वाले दोहा का अर्थ श्रोताओं के लिए बताए देते हैं। वो लौकिया की बेल है। अच्छा। और इसका अर्थ ये है, अरे एक नाग एक नागिनियो भैया कीजे कृष्ण मोरारियो। भगवान श्याम सुंदर ने जब काली देह पे नाग को नाता था तो दो मर्द हो गए और उसमें एक नागिनी स्त्री हो गई। अरे एक नाग एक नागिनियो भैया तीजे कृष्ण मोरारियो। आहो इन तीनों के नेत्र भैया दो हजार और चार के बोला तेरी बांबे श्री गंगे। मनीष भैया जी। जी। अंतिम प्रश्न है और इसका जवाब भी आपको देना है, सुनिएगा। अरे श्याम बजाई बांसुरी और मोए तीनों लोक हो भैया।
सुनो शास्त्री जी। हाँ जी,